तो करें स्टार्ट कुछ और पॉइंट्स को लेते हुए। नेमिंग ऑफ एमीन, नेमिंग ऑफ एमीन, एमीन ग्रुप दिखेगा कैसे आपको? फंक्शन ग्रुप आप आर एन एच टू, यानी एन एच टू आपके लिए क्या हो गया? एमीन। अगर प्रेफिक्स की बात करें इसकी तो कैसे लिखोगे आप? एमिनो। सफिक्स की बात करें एमाइन, और आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एल्केन नामीन, ये हमारे पास हो गया एल्केन नामाइन। तो अब कुछ एग्जांपल्स पे हम बात करते हुए चलते हैं। नंबरिंग कहां से करी जाए? इस कार्बन से या इस कार्बन से? इसी कार्बन से, जहां से ये पहले आता हो, ठीक है। वो सारे फंक्शन ग्रुप जिसमें खुद का कार्बन नहीं होता वहां से की जाती है जिससे वो कार्बन पहले आ सके। तो कैसे है इसका आईयूपीएसी नेम होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन टू एमाइन, ब्यूटेन टू एमाइन। एक और एग्जांपल करते हैं। NH2 डबल बॉन्ड, इस तरह से एमीन पहले आ रहा है, इस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, किसको प्रायोरिटी दोगे आप? एमीन को। 1 2 3 4 5, टू एमाइन पेंट थ्री इन, गलत, पहले अपन को पेंट थ्री इन और टू एमाइन लिखना पड़ेगा। ये हमारा सही है आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मजा तो अब आएगा। कौन सा फंक्शन ग्रुप बड़ा है, OH या एमीन? OH। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, 4 एमिनो पेंटेन टू ओल। कंफ्यूजन वही होता है जहां हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा फंक्शन ग्रुप बड़ा है। ठीक है, अभी आपको याद है, लेकिन आपको अभी नहीं देना है पेपर, बहुत बाद में देना है। तो आप क्या इतने दिन तक याद रख सकते हैं? बिल्कुल, हमें पढ़ना ही इतनी बार है कि हमेशा याद रहे। हाँ या ना? आगे चलिए, ऊपर ही लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी? सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसमें? कीटोन। 1। अब यहां से करना सही रहेगा या यहां से? मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहां से करते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहां से ये, यहां से करके देखना पड़ेगा। यहां से हमारे पास 1 2 3, या तो ये जाएगा या फिर इस तरह से जाएगा। चलिए, दोनों में से एक ही आंसर होगा। अगर ऐसे जा रहा है तो आपके पास बाकी के फंक्शन ग्रुप पास आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक ही आइडेंटिकली दिख रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सेम ही जाएगा। तो अब आपके पास क्या हुआ? सबसे पहले 1 2 3 कवर, तो इसको पहले करना ही है। 4 5 6, तो क्या होगा? 2 4 6 ट्राई अमीनो,
फाइव हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन 1.3 डाई ऑन। सही है। अब और एग्जांपल पे बात करते हैं। क्या किया जाए अब? ये हमारे पास कौन सी डिग्री की अमीन है? 3 डिग्री। क्या ये अलग फंक्शन ग्रुप है? हाँ ये अलग फंक्शन ग्रुप है, लेकिन सफिक्स और प्रेफिक्स वैसे ही रहेंगे। बस अंतर ये होगा कि इसमें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो ग्रुप जिसके अंदर सिलेक्शन रूल सबसे पहले आ रहा हो, यानी सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंट और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और फिर लोकेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से सबसे बड़ी चेन कौन सी आ रही है? ये। अब इन दोनों की पोजीशन कैसे देंगे? एन इथाइल, फिर एन मिथाइल प्रोपेन नाम माइन। प्रोपेनामाइन सही है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता होता क्या लकी रहते हैं, एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना हमें। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल होता अब देखिए मेन चेन किसको सेलेक्ट करोगे आप? मल्टीपल बॉन्ड को, तो आपकी मेन चेन होगी ये। तो अब कैसे लिखेंगे? एन इथाइल एन प्रोपाइल 1 2 इथेन इथ 1 ईन 1 ईन ना इनेमाइन। ये हमारे पास नाम हो जाता है इसका। आ रही है बात समझ में अच्छे से? बस इसी को लिखना है हमें, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातें है नहीं। लिखें इसको, बताइए इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे हम। सी एच ओ हमारे लिए बड़ा फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 बस ये जाएगा, इससे बड़ी चेन हमें नहीं मिल सकती। मिल सकती है क्या? नहीं। तो एक तो हो गया 2 पे इथाइल, और ये एम पहले आता है या पी पहले आता है? एम। तो मैं इसको बोलूंगा 2 मिथाइल, फिर उसके बाद 3 ब्रैकेट एन फिनाइल, एन फिनाइल एमिनो, एन फिनाइल एमिनो 2 मिथाइल 3 एन फिनाइल एमिनो प्रोपेनेल। बहुत सही नाम है, लिख लीजिए इसको। फिनाइल एमिनो आप पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए जरूरी था ये एग्जाम्पल कराना।